हेलो दोस्तों और रवि माधव में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे दोस्तों। और गर्मी का मौसम चालू है तो हम सभी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि हमारा सीलिंग फैन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी मन करता है इसे बदल दूं। तो अगर आपका सीलिंग फैन बदलने वाले होंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। जी हाँ, मैं बात करने वाले हूँ आज कुछ नए फैन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे चलती है जिसके अंदर जो हमारा नॉर्मल फैन होता है उससे ये ऑलमोस्ट 50% ज्यादा पावर सेविंग करती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, पहली बात सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ BLDC फैंस के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फैंस होते हैं। सीलिंग फैंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे BLDC ब्रशलेस मोटर्स यूज होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसका बेनिफिट क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। BLDC मोटर्स जो होते हैं वो बनते हैं एक ब्रशलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसके यूज के कारण क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नलीफाई होता है। उसके वजह से जो है आपका फैन ज्यादा एफिशिएंटली घूमता है और आपके लिए वो पावर सेविंग कंजम्पशन बिल्कुल कम कर देता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है अराउंड 3,000 to 3,500 rupees कॉस्ट पड़ती है अच्छे ब्रांड के अगर हम लेंगे तो। और वो कंज्यूम करते हैं अराउंड लेके चलिए 80 to 100 watts per hour। मतलब अगर आपने उसको अगर 100 वैट्स के ऊपर अगर हमने चलाया तो ऐसे पकड़ लीजिए 1000 वैट्स का हमारा एक यूनिट होता है। तो अगर हम लोगों ने 100 वैट्स से उसे 10 घंटे तक चलाया तो उसका एक यूनिट आपका पड़ेगा। लेकिन अगर ये BLDC फैंस के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं दोस्तों, तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसकी फैन की जो अमेजोन की बाइंग लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप इसको खरीद सकते हैं, आप खुद लगा सकते हैं। उसके अंदर आपको फायदा क्या होता है, सबसे पहली बात दोस्तों, BLDC फैंस जो है वो 30 वैट मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं, 35 वैट्स कंज्यूम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपका नॉर्मल फैन जो है वो जहाँ पे 80 वैट्स कंज्यूम कर रहा है, ये BLDC फैन आपका खाली 30 वैट कंज्यूम करेगा। मतलब जब इसका जैसे हम लोग बोल रहे थे कि 10 घंटे चलेगा, ये अगर 30 घंटे भी चलेगा तो भी एक यूनिट आपका खर्च नहीं होना दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग जब नॉर्मल फैन को रेगुलेटर के ऊपर हम लोग पावर कम करते हैं तो उससे आपकी पावर सेविंग नहीं होती है दोस्तों। जो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो खुद भी पावर कंज्यूम करते हैं। अगर आप उसे 1 पॉइंट पे भी चलाएंगे तो भी वो फैन आपका उतना ही पावर कंज्यूम करने वाला है जितना उसका वैटेज है, उतना ही वैट वो कंज्यूम करने वाला है दोस्तों। और जहां भी ये BLDC फैंस की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इसे 1 पॉइंट पे यूज करेंगे, इसमें हालांकि इसमें आपको रेगुलेटर नहीं आता है, इसके अंदर आपको रिमोट आता है दोस्तों। जी हाँ, इसके अंदर एक इंफ्रारेड रिमोट होता है, बिल्कुल स्टाइलिश लगता है, जिसको यूज करने से आप रिमोट से आपका फैन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और ये फैन यूनिवर्सल है, आप किसी भी जो BLDC फैन वही कंपनी का आपका होगा तो आप हर एक रूम के लिए एक ही रिमोट यूज कर सकेंगे। और इसका फायदा ये होता है दोस्तों, इसके अंदर जो रेगुलेटर कॉस्ट होती है वो भी कट हो जाती है, और रेगुलेटर ना होने के कारण, किसी प्रकार का स्विच ना होने के कारण आपका ये जो फैन है ये लेस पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल फैंस। और दोस्तों मैं बता रहा था, जैसे अगर आप इसे 1 पॉइंट पे घुमाएंगे तो ये खाली 3 to 4 watts मतलब एक CFL से भी कम पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप इसे फुल एफिशिएंसी 5 पे चलाएंगे, जैसे जैसे आप इसे 2 पे बढ़ाएंगे तो ये 6 watts, 10 watts तक कंज्यूम करेगा। जैसे जैसे आप इसका घूमने की जो है कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये पावर कंज्यूम करेगा। और मैक्सिमम दोस्तों, जी हाँ मैक्सिमम ये 35 to 40 watts तक आते हैं, जैसे आपका रूम है उसके हिसाब से आप इसे डिजाइन करके आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, इसका जो एयर फ्लो है वो किसी भी कन्वेंशनल फैन से अच्छा ही है। और इसका बेसिक डिजाइन कुछ ऐसा बनाया जाता है, जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने जो हमारे जो एरोप्लेन की या जो प्रोपेलर फैंस होते हैं उसके ऊपर डिजाइन बेस करके इन्होंने फैंस को डिजाइन किया हुआ है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि BLDC फैंस क्या होते हैं, उनकी कंपनी कौन सी है, मैं उसको लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आशा करेंगे आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको फैन खरीदना है तो जरूर इसे देखिए, और आप फैन की कॉस्ट के ऊपर मत जाइए दोस्तों। एक बार की कॉस्ट है, उसके बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। और एक फैन की लाइफ
ऑलमोस्ट 5 ईयर्स होती है, और इसकी कंपनियां जो है ये 3 से 5 साल की गारंटी देती है दोस्तों। जी हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको सीधा रिप्लेस कर देगी, इस तरह की गारंटियां देते हैं दोस्तों। तो मैं आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए वीडियो, और ऐसे ही हमारे रेवी माजा के लिए रोज आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।